हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 5th, जिसमें हमने किसी से स्टार्ट की हुई है जीएनके के रिलेटेड। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसमें आज हम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो आपने पढ़े भी होंगे और आपको अनएक्सपेक्टेड होंगे कि एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। तो देखिए, जूनियर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ यूनियन सुपरवाइज़र का, उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे से बन सके क्वेश्चन तो मैं एक दो सीरीज़ और आपके लिए लाऊँगा इसकी। तो जैसे कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया की एक सीरीज़ चल रही है, तो वो आपकी चलती रहेगी एज इट, अल्टरनेट डेट्स पे आपको मिलती रहेंगी। उसका लेक्चर आपको कल मिलेगा रात को, कल मिलेगा दिन को या फिर रात को ही मिल जाएगा, 6 या 9 बजे। और आज रात को 9 बजे क्या लेक्चर है अभी मैंने सोचा नहीं है, तो आपको रात को 9 बजे ही पता चलेगा कि रात को 9 बजे क्या लेक्चर, चाहे वो स्टॉक एक्सटेंड के लिए भी हो सकता है और आपका सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, या तो फिर एक काम करेंगे हम कि किसी पोर्शन को उठा लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर साल एग्ज़ाम हुआ जूनियर सुपरवाइज़र का, उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन, जहाँ साइंस को उठा लेंगे या फिर जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया बेस पे उठा लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप हमसे बात भी वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बाकी अदर ऐप प्लेटफॉर्म भी अगर आप नहीं हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, इसमें क्या क्या क्वेश्चन रखे हैं हमने, तो चलिए फिर। जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन बताऊंगा, जो फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा, उनको आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया वाइज इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। कौन सी इनमें से जो फॉलोइंग में है डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया वाइज जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरेटरी में। तो आपको पता है कि जम्मू यूनियन टेरेटरी में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। ठीक है, तो इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या वो बांदीपुरा है, शोपियन है, सांबा है या फिर रियासी है। तो राइट ऑप्शन इसका शोपियन है। ठीक है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा कम एरिया है। ठीक है, तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट पूछी जाएगी तो वो आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखना चीज़ को, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वोर मोलर प्लेस इज़ द नेम ऑफ वोर मोलर्स प्लेस है जो, ये कौन सा किसका नेम है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का नेम है, बांदीपुरा का है, बारामूला का है, बुड़गाम का है या फिर अनंतनाग का है। एक बार ध्यान से सोचो, क्वेश्चन को पढ़ो, वोर मोलर्स प्लेस, ये कोई अर्ली नेम है यानी कि इसका मतलब है किसी डिस्ट्रिक्ट का होना, क्या वो बांदीपुरा है, बारामूला है, बुड़गाम है या फिर अनंतनाग। ठीक है, तो वोर मोलर प्लेस है जो, वो है आपका बारामूला। ठीक है, बारामूला आवाज से भी आप पहचान सकते हो वोर मूलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए, अब पूछता है कि विच डिस्ट्रिक्ट नाउन एज लैंड ऑफ देविका एंड लैंड ऑफ बोलीज। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है लैंड ऑफ देविका, लैंड ऑफ बोलीज, क्या वो सांबा को बोला जाता है, क्या वो जम्मू को, जैमी नहीं है यहाँ पे, जम्मू आएगा। ठीक है, यहाँ पे जम्मू आएगा, उधमपुर को बोला जाता है, रामबन को बोला जाता है। तो ये आपने देखा ही होगा कि उधमपुर है जो, उसको लैंड ऑफ देविका और लैंड ऑफ बोलीस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पे इनकी देविका है जम्मू में जहाँ पे देविका है, तो वहाँ पे बहुत सारी बोलीस वगैरह भी हैं और ऐसे भी जो लोकल एरियाज वहाँ के हैं विलेज टाइप, तो वहाँ पे भी बहुत सारी बोलीस हैं। ठीक है, बोलीस क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, छोटा सा ऐसे आज 3 से 4 फीट का होता है, तो उसमें पानी होता है। ठीक है, हु बिल्ट द अखनूर फोर्ट, अखनूर फोर्ट को किसने बिल्ड किया, अखनूर फोर्ट को किसने, किसके द्वारा बिल्ड किया गया, तो ये क्या गुलाब सिंह ने किया, अलाम सिंह, राजा अलाम सिंह ने, राजा हरी सिंह ने या राजा सुचेत सिंह ने। ठीक है, तो इसको बिल्ड करने वाले थे अलाम सिंह। ठीक है, अलाम सिंह थे। ठीक है, बाकी इससे पहले भी बनाने की कोशिश जो कंस्ट्रक्शन थी वो तेग सिंह ने की थी। तो अगर मैं बात करूं जो अखनूर फोर्ट है ये कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, तो ये आपका सिचुएटेड है चिनाब रिवर पर, बैंक ऑन चिनाब रिवर। ठीक है, हु
कोरोनेटेड गुलाब सिंह एज राजा ऑफ जम्मू रीजन, किसने कोरोनेट किया था गुलाब सिंह को कि ये राजा होगा जम्मू रीजन का? तो क्या ये राजा तेग सिंह ने किया था, महाराजा रणजीत सिंह ने, हरी सिंह ने, या फिर नंद ने? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका महाराजा रणजीत सिंह थे। एज इन ये हिस्ट्री जब पढ़ोगे आप, वहाँ पे चीज़ आपको दिखेगी कि महाराजा रणजीत सिंह ने ही कोरोनेट किया था गुलाब सिंह को कि ये राजा रहेगा। तो ये आपको मैं आपको बता दूँ, ये अखनूर में, इनको मुझे याद नहीं है, इनको तिलक किया था, राजा तिलक किया था 1922 की बात, 1822 की बात आई थिंक। हाँ, वैन डिड अमर महल पैलेस इनाग्रेट इन म्यूजियम? देखिए जो अमर महल है यानी कि हरी सिंह पैलेस है, हरी सिंह पैलेस है जो जो कि राइट बैंक में है, राइट बैंक में, आप तावी रिवर के राइट बैंक में है, और इसको इनाग्रेट किया गया म्यूजियम में। ठीक है, अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा कहाँ पे थे, जो लास्ट रेजिडेंस थे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हरी सिंह थे तो हरी पैलेस ही करते थे क्योंकि पंचायत कॉन्टेस्टेंट में ऐसा क्वेश्चन बन चुका था, बट उसका राइट ऑप्शन जो था वो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स था। ठीक है, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो कि वहाँ पे फोर्ट है, ठीक है, याद रखना, नॉट हरी पैलेस। तो ये इनग्रेट किया गया, मैं आपको बता दूँ ये बनाया कब गया था, 1967 में बना, और 1975 में इसको इनाग्रेट किया गया म्यूजियम में। ठीक है, पिलर्स ऑफ सेक्रीफाइस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी? दोस्तों पिलर ऑफ सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान स्तंभ, पढ़ा होगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की? उधमपुर में है, जम्मू में है, कठुआ में है, या फिर बुडगाम में है? ठीक है, लास्ट में होमवर्क दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। पिलर्स ऑफ सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान स्तंभ, जो 1947 में जो वार हुई थी इंडो पाक के बीच में, तो दोस्तों वहाँ पे जो शहीद हुए थे लोग उनके रिलेटेड है ये पिलर्स ऑफ सेक्रीफाइस। तो उनके जो भी वहाँ पे शहीद हुए थे उन सभी का नाम यहाँ पे मेंशन है, तो वो आपका जम्मू में है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ये बना कब था, कंस्ट्रक्शन इसकी 2018 में स्टार्ट हुई थी और 2019 में ये कंप्लीट हुआ था, ये 2019 में ही बना है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ ध्रुवा? लैंड ऑफ ध्रुवा कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, क्या वो अनंतनाग है, श्रीनगर है, जम्मू है, या फिर उधमपुर है? तो लैंड ऑफ ध्रुवा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ ध्रुवा के नाम से जानते हैं। लैंड ऑफ देविका, लैंड ऑफ वोलिस और लैंड ऑफ ध्रुवा किसको बोलते हैं? अब कमेंट में आप मुझे दो क्वेश्चन के आंसर बताओगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लैंड ऑफ स्प्रिंग किसको बोला जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं? शोपियन है, बुड़गाम है, अनंतनाग है, या फिर नन है? ठीक है, अनंतनाग है, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ स्प्रिंग क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग्स बहुत है, स्प्रिंग्स के भी नाम भी याद रख लेना जब पढ़ोगे, वेरीनाग हो गया इस तरह से। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट ही है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी? कौन सी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी में, क्या वो शोपियन, अनंतनाग है, गांधरबल है, या श्रीनगर है? तो वो बोला जाता है आपका गांधरबल को। ठीक है, गांधरबल को ही बोला जाता है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूँ जो कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। ठीक है, अगर मेरा फ़र्ज़ है यहाँ तक लाने का, आपको पढ़ाने का, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कुछ बताओ मुझे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे ये बताना है कि जो सिटी ऑफ लेक्स को बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया में, ठीक है, ये बताना है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, अच्छा डिस्ट्रिक्ट रहने दो, जम्मू कश्मीर का हो गया। क्वेश्चन नंबर टू आपने मुझे ये बताना है, नागा भूमि जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या टाउन जो भी आपका, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन जरूर कर लें, जब ये हमारी, मैं ट्राई करूँगा इसको 100 क्वेश्चन की पीडीएफ बना के आपको एक एज ए बुक में प्रोवाइड कर दूँ क्योंकि ये एक हेल्पफुल बुक रहेगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अब हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बच्चे बोल रहे थे कि सर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ाओ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से जो जो मेन पोर्शन होंगे, मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, ठीक है, आपसे इस तरह से नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन में फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। क्वेश्चन में आपको आएगा कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जो कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे इलिटरेसी है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, सेक्स रेशियो ज़्यादा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको नेट से भी खुद भी ढूंढनी होती हैं, ठीक है। अगर मैं इन पे क्वेश्चन बनाने लग जाऊँगा तो ये मेरी 10 क्वेश्चन तो मेरे एक ही मतलब ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं, ठीक है। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।